हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज का वीडियो होने वाला है जो लोग स्टंट करते हैं और जो लोग स्टंट नहीं भी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो होने वाला है, जो राइडर हैं या फिर जो बाइकर हैं उनके लिए भी सब वीडियो होने वाला है। तो गाइज, कि आप लोग अपनी बाइक के साथ ऐसे मिस्टेक करते हो जो आप लोग की बाइक को की लाइफ को एकदम कम कर देता है और आपकी क्लच प्लेट को एकदम ख़त्म कर देता है। तो गाइज, इस कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो हमको मुझे लगता है कि 60-70% लोग करते ही हैं और गाइस उनको मालूम भी नहीं चलता है और वो लोग सोचते हैं कि उनकी बाइक की लाइफ इतनी कम क्यों हो जा रही है, उनकी इंजन की लाइफ इतनी जल्दी क्यों ख़राब हो जाती है और उनके क्लच प्लेट इतने जल्दी कैसे फूक जाते हैं। तो गाइस, मैं बताने वाला हूँ कि जो लोग स्टंट करते हैं सबसे पहले, तो गाइस आप लोगों ने कोस्टर व्हीली का नाम तो सुना ही होगा। तो गाइस, कोस्टर व्हीली में क्या रहता है, जब भी हम अपने व्हीली को पॉप करके लेके जाते हैं आगे की ओर और हाइट मेंटेन होकर आगे जाती है, तो गाइस क्या करते हैं, अपने क्लच को प्रेस करके एक्सीलेटर को रेस करते हैं और वो गाइस रेस करते हुए आगे लेके जाते हैं। तो गाइस, उसकी वजह से आपकी बाइक में इतना ज़्यादा नुकसान होता है जो आप सोच भी नहीं सकते और आपके क्लच प्लेट पर इतना ज़्यादा लोड पड़ता है जिससे गाइस आपकी क्लच प्लेट की लाइफ धीरे धीरे बहुत कम होती है और एक आने वाले समय में आपकी क्लच प्लेट एकदम खत्म हो जाती है, जो गाइस आप लोग की पिकअप नहीं बनाती है और आप लोग से व्हीली नहीं होती है। तो गाइस आप लोग सोचते हैं कि क्या दिक्कत आ गई है, तो फिर गाइस अब जब लोग चेक कराते हैं तो आपके क्लच प्लेट खराब निकलती हैं। और गाइस जो नॉर्मल बाइकर होते हैं या फिर जो करते हैं वो भी गलती करते हैं हमेशा, जो गाइस क्या करते हैं कि अपनी बाइक का साउंड चेक कराने के चक्कर में या फिर वीडियो बनाने के चक्कर में जो भी रहता है वो क्या करते हैं, अपनी बाइक का क्लच प्रेस करके पूरा, जब क्योंकि गाड़ी गियर में रहती है, और अपने एक्सीलेटर को रेस करते हैं पूरी फुल थ्रॉटल की देते हैं, उससे भी आप लोगों की क्लच प्लेट धीरे धीरे कम होती है और गाइस कुछ समय में आपकी क्लच प्लेट एकदम खत्म हो जाती है जिससे एकदम पिकअप बनाना बंद कर देता है क्लच प्लेट। तो गाइस और भी एक मिस्टेक होते हैं जो क्या करते हैं, जो गाइस लोग नए नए व्हीली से सीखते हैं तो गाइस उनको कोई मालूम ही नहीं रहता है कि उन लोगों को अपना क्लच एडजस्टमेंट कैसा रखना है, कि क्लच आपको फुल टाइट रखना है या फिर क्लच लूज रखना है या कितने पे क्लच रखना है। तो गाइस क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि क्लच को टाइट रखने से उनकी व्हीली अच्छी होगी और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि क्लच को लूज रखने से उनकी व्हीली अच्छी होगी। तो गाइस मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोगों को क्लच एडजस्टमेंट अपना एकदम अच्छे से रखना है जिससे ही आपका व्हीली अच्छा होगा और गाइस आप लोगों के गियर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी इंजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको कैसे रखना है और एक अच्छे तरीके से बताऊँ कि आप लोग को समझ में आए, तो मिलते हैं राइड करते हुए। सो गाइस, मेरी बाइक का भी पिकअप आप चेक कर सकते हो, ये गाइस मेरी फर्स्ट गियर है, अभी देखो ये देखो गाइस मैं हल्का सा क्लच छोड़ता हूँ, मेरी बाइक इतना भयंकर पे गई, ये देखो ये मेरा क्लच है और ये दो गाइस मैंने हल्का सा छोड़ा है, कितनी अच्छी पिकअप बना रही है मेरी बाइक। तो गाइस मैं इतनी विली भी करता हूँ बट मैं क्या करता हूँ, मैं विली को सही तरीके से करता हूँ, अपनी बाइक को एक अच्छे तरीके से मेंटेन करके रहता हूँ जिससे मेरी इंजन में कोई प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती है, जब मुझे इंजन में ज़्यादा कुछ फेस करना नहीं पड़ता है। तो गाइस आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट आपको मालूम होना चाहिए कि अपनी बाइक का एडजस्टमेंट कितना होना चाहिए, अपनी बाइक के क्लच का एडजस्टमेंट कितना होना चाहिए। तो गाइस ये देख सकते हो मेरे बाइक में कितना लूज है, प्ले है, तो गाइज ये प्ले चेक करो, बहुत इतना प्ले है बस, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा लूज है। तो गाइज जो जितने भी बिगनर्स रहते हैं वो सोचते हैं कि फुल टाइट रहेगा या फिर बहुत ही लूज रहेगा, कितने लोगों के मन में रहता है गाइज लूज रहता है तो उनकी पिकअप ज़्यादा अच्छी रहती है या फिर उनका क्लच टाइट रहता है तो उनकी पिकअप ज़्यादा अच्छी बनाती है। तो गाइज हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा कि आपकी जब तक क्लच एडजस्टमेंट सही रहेगी तभी आपकी बाइक सही तरीके से चलेगी और आप उससे अच्छे तरीके से स्टैंड या फिर अपनी बाइक को अच्छे तरीके से राइड कर पाओगे। तो गाइज हमेशा आपको याद रखना है कि क्लच एडजस्टमेंट सही रहनी चाहिए और गाइज हमेशा आपको एक चीज़ और नोटिस करना है कि आपको कुछ छपरी वाली हरकतें नहीं करनी है जो छपरीपन लोग करते हैं, बाइक को क्या करते हैं अपनी क्लच को ऐसे पूरे फुल दबा के इस तरीके से रेस करते रहते हैं। तो गाइस इससे आपको सबसे ज़्यादा बाइक पे अपने नुकसान सहना पड़ता है, इससे आपकी क्लच प्लेट को सबसे ज़्यादा नुकसान इसी तरीके से उठाना पड़ता है, इससे आपकी क्लच प्लेट बहुत ही ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ता है और आपकी क्लच प्लेट बहुत ही ज़्यादा समझिए लोड की जल्दी ख़राब होती है, जिससे बहुत जल्दी ख़राब होगी आपकी क्लच प्लेट। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अपने क्लच को सही तरीके से यूज़ करना है तभी आपकी क्लच प्लेट की लाइफ इंक्रीज हो पाएगी। गाइस इधर का आप रोड देख सकते हो, एकदम कबाड़ा हुआ पड़ा है, कबाड़ा। अगर इस रोड पे अगर बाइक से राइड कर ली ना तो गाइस बाइक में अगर कोई प्रॉब्लम ना भी रहे तो गाइस प्रॉब्लम आ जाएगी, इतनी बेकार रोड है इधर की। बट कुछ भी कहो गाइस व्यू तो तगड़ा आ रहा है इधर रहते हैं, कि अगर आप दो तीन गियर में भी रहते हैं गाइस गाड़ी को
गाड़ी की चाबी लगाई, गाड़ी को स्टार्ट किया, तुरंत आगे निकल गए हैं। गाइस ऐसा नहीं होता, पहले तो आप हमेशा ये नोटिस करो कि जब भी आप गाड़ी पे बैठ रहे हो या फिर गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो तो गाइस आपकी बाइक फर्स्ट गियर में होनी चाहिए, तभी गाड़ी को आप आगे लेके जाना। वरना नहीं तो क्या करते हैं गाइस, चाबी लगाई ना कुछ देखा, ना दो गियर में गाड़ी ना तीन गियर में है, चाबी लगाया गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी लोड ले रही है गाइस, आप गाड़ी वो किसी तरह हिंच दी आगे फिर गाड़ी चलाने लगते हो। तो गाइस इससे तो आपकी बाइक क्लच प्लेट तो भाई जान ही है, आप लोगों को पता नहीं चलता होगा लेकिन आपकी क्लच प्लेट धीरे धीरे जाती रहती है, कम होती रहती है, बट धीरे धीरे एकदम क्लच प्लेट खत्म ही हो जाएगी। तो इस चीज़ को एकदम इग्नोर करना है आपको, हमेशा जब भी आप गाड़ी पे बैठो तो गाइस आपको हमेशा फर्स्ट गियर में ही बाइक को स्टार्ट करो या फिर न्यूट्रल करके स्टार्ट करो, और जहाँ भी आप अपनी गाड़ी को रोकते हो तो गाइस आपको इसी नोटिस करने की ज़रूरत है कि आपको वहाँ पे अपनी बाइक को क्लच गियर में रख के गाड़ी नहीं खड़ा करनी, या तो गाड़ी बंद कर दो या फिर गाड़ी को न्यूट्रल कर लो तभी आपको खड़ा रखना है। और गाइस ना तो आपकी क्लच को अपनी ज़्यादा लूज़ करना है ना ज़्यादा टाइट करना है, हमेशा एक अच्छे तरीके से इतने गैप के साथ रखना है, मतलब आपकी बाइक जितने भी स्मूथ चले, आपको लगे कि हाँ इस पे मेरी गाड़ी थोड़े से क्लच पर छोड़ने पे भी आगे जा रही है, आगे जाने लग रही है और ना तो गियर शिफ्ट हार्ड हो रहा है। तो गाइज़ हमेशा देखना है कि आपकी गाड़ी में स्मूथनेस किस में है, अगर आपकी गाड़ी स्मूथनेस है आपकी बाइक में तो गाइज़ समझ लो आपकी क्लच एडजस्टमेंट आपका सही है। तो ऐसे उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया तो कमेंट करके बताना, और कोई भी कन्फ्यूज़न लगता है तो गाइज़ भेजिए, कमेंट कर सकते हो गाइज़, हर एक बंदे को रिप्लाई मिलेगा फुल डिटेल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉग को करते हैं एंड, टिल देन बाय।